हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ राज यादव एंड वेलकम बैक टू स्मार्ट सीजी अपडेट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जो है पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा के लिए स्वास्थ्य एवं पोषण का एक चैप्टर करने वाले हैं। चैप्टर नहीं बल्कि इसका एक एमसीक्यू करने वाले हैं हम लोग। तो एमसीक्यू के माध्यम से कुछ क्वेश्चन देखेंगे। एमसीक्यू मतलब कि मल्टी चॉइस क्वेश्चन, ठीक है। मल्टी चॉइस क्वेश्चन देखने वाले हैं और चार ऑप्शन वाले जिस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आते हैं उसी तरह के प्रश्न देखने वाले हैं। और ये जो है क्वेश्चन स्वास्थ्य एवं पोषण टॉपिक से होने वाले हैं। सारे क्वेश्चन को देख करके आप ये समझ पाएंगे कि किस तरह के प्रश्न आपके भी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो सारे के सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। सारे के सारे क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है आपकी तैयारियों से रिलेटेड, ताकि आप उन क्वेश्चन को देख कर ये तय कर पाएंगे कि कौन सा टॉपिक पढ़ा जाए, कौन सा टॉपिक छोड़ा जाए, क्योंकि मटेरियल बहुत सारे हैं। आप लोगों ने भी कई सारे जो है इंटरनेट में सर्च करके देखे होंगे, बहुत सारे मटेरियल इंटरनेट पर अवेलेबल हैं आपके पढ़ने के लिए, लेकिन जो है कैंडिडेट कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या पढ़ें या क्या छोड़ें, ठीक है। तो ये जो एमसीक्यूज हैं वो आपका ये समझने में हेल्प करते हैं कि किस तरह के प्रश्नों को पढ़ना चाहिए, किस तरह के टॉपिक्स को पढ़ना चाहिए। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आप लोगों की तैयारियों से रिलेटेड और लेटेस्ट अपडेट बिल्कुल लेटेस्ट टाइम पर अपलोड होते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को जो है नोट्स के लिंक मिल जाएंगे। अगर आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स आप लोग ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना है जिसमें पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा के जो भाग एक है, ठीक है, भाग एक के जो नोट्स हैं वो आपको वहाँ पर टाइम टू टाइम जो है डेली बेसिस पर अवेलेबल होते रहते हैं, और एग्ज़ाम तक आपके पास सारे नोट्स जो हैं हर एक टॉपिक के अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप लोग जो है व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, और नीचे जो है लिंक में आपको वीडियो की लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर से आप देख सकते हैं कि व्हाट्सएप ग्रुप कैसे ज्वाइन करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टेलीग्राम ग्रुप जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स और जो सूचनाएं हैं वहीं पर मैं ऐड कर देता हूँ। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आपके कोई डाउट्स हैं, कोई आप लोग की कोई क्वेरी है, तो वहाँ पर आप मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर पाएंगे। चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अधिक पौष्टिक भोजन की आवश्यकता किन परिस्थितियों में होती है? आपको बताना है कि अधिक पौष्टिक भोजन की आवश्यकता किन परिस्थितियों में होती है। ऑप्शन है आपके गर्भवती स्त्री को, ऑप्शन 2 है कठोर श्रम करने वाले को, ऑप्शन 3 है वृद्धि कर रहे बच्चों को, ऑप्शन 4 है उपरोक्त सभी को। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट किया है, और इस तरह से क्वेश्चन का लेवल आगे बढ़ते जाएगा। क्वेश्चन को समझिएगा, क्या तैयारी करना है ये भी समझिएगा। तो वीडियो को पॉज करके आप इसका आंसर देने की कोशिश भी कर सकते हैं, और ज़रूर कोशिश कीजिएगा, और वीडियो के अंत में ये ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए, ठीक है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए उपरोक्त सभी को, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी को, यानी कि अधिक पौष्टिक भोजन गर्भवती स्त्री को भी चाहिए होता है, कठोर श्रम करने वाले व्यक्ति को भी चाहिए होता है, और वृद्धि कर रहे बच्चे को भी चाहिए होता है। यानी ये तीनों सही उत्तर है, इस वजह से राइट आंसर जो है उपरोक्त सभी को हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2, एक वयस्क के लिए आवश्यक वसा है, एक वयस्क व्यक्ति के लिए आवश्यक वसा की मात्रा कितनी है? 20 ग्राम, 40 ग्राम, 10 ग्राम या 50 ग्राम, इस तरह के भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो वसा से रिलेटेड जितने भी वसा, प्रोटीन, विटामिन, इस तरह की टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं आपको पता होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर होगा 20 ग्राम, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, शैशवावस्था में सर्वाधिक आवश्यकता होती है, ठीक है। शैशवावस्था यानी जब एक बच्चा शिशु जब होता है तो उस अवस्था को क्या कहते हैं? शैशवावस्था कहते हैं, जो कि 0 से 2 वर्ष के समय का होता है, ठीक है। 0 से 2 वर्ष का जब बच्चा होता है तो उसके बीच वाले जो अवस्था होती है उसको शैशवावस्था कहा जाता है। तो शैशवावस्था में सर्वाधिक आवश्यकता किसकी होती है? प्रोटीन की, वसा की, कार्बोहाइड्रेट की, या फिर इनमें से कोई नहीं, या फिर एक पांचवा ऑप्शन मैं ऐड कर देता हूँ, इनमें से सभी, ठीक है। एग्जाम में या तो इनमें से कोई नहीं या इनमें से सभी, इस तरह के ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इसका वीडियो को पॉज करके प्रॉपर आप अपना आंसर देते चलें, ताकि आपकी नॉलेज भी इससे चेक हो जाएगी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, प्रोटीन की, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 यानी प्रोटीन की आवश्यकता सबसे अधिक होती है। आपने सुना होगा कि एक शिशु के लिए माँ का दूध ही सर्वोत्तम होता है, तो उसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। तो इस वजह से जो है शैशवावस्था में सर्वाधिक आवश्यकता प्रोटीन की होती है। इस तरह से आप अपने नॉलेज को कनेक्ट करके चलिएगा, तब आपका काम बनेगा एग्ज़ाम क्रैक करने में।
क्वेश्चन नंबर 4 है, नपुंसकता में उपयोगी विटामिन है। तो नपुंसकता के स्थिति में जो है कौन सी विटामिन उपयोगी होती है, यहाँ पर दिए गए हैं विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन सी या फिर विटामिन डी। तो वीडियो को पॉज करके आंसर देते चलिएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ई हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में मनुष्य के लिए उपयोगी पोषक तत्व है, निम्नलिखित में से मनुष्य के लिए उपयोगी इनमें से कौन सा पोषक तत्व है या फिर हैं। ऑप्शन है आपके जल, लोहा, आयरन या फिर ये सभी। आपको बताना है कि कौन से पोषक तत्व जो हैं जो है मनुष्य के लिए आवश्यक या फिर उपयोगी हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ये सभी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6। संतुलित आहार देश को प्रभावित नहीं करते, खाली स्थान को प्रभावित नहीं करते। आपको बताना है कि ये जो संतुलित आहार है यानी कि बैलेंस्ड डाइट जिसको कहते हैं, बैलेंस्ड डाइट किसको प्रभावित नहीं करते, स्वास्थ्य को, पर्यावरण को, उम्र एवं क्रियाशीलता को या फिर व्यवहार को। तो जल्दी से इसका आंसर देने की कोशिश जरूर कीजिएगा। तो एक चीज़ को समझिएगा, यहाँ पर बताया गया है कि संतुलित आहार जो होता है, बैलेंस्ड डाइट किस चीज़ को प्रभावित नहीं करते, क्या वो स्वास्थ्य को प्रभावित नहीं करते, बिल्कुल करते हैं। अगर कोई बैलेंस्ड डाइट लेता है, संतुलित आहार लेता है तो उसका स्वास्थ्य अच्छा रहता है। उसी तरह से पर्यावरण को करता है क्या, संतुलित आहार किसी व्यक्ति के पर्यावरण को, उसके वातावरण को परिवर्तित कर सकता है क्या, ऐसा लग नहीं रहा है। तो अभी इसको छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं उम्र एवं क्रियाशीलता को। तो कोई व्यक्ति अगर संतुलित आहार लेता है अपना जीवन भर तो उसके उम्र में भी कुछ ना कुछ प्रभाव देखने को मिलेगा और क्रियाशीलता में भी बिल्कुल प्रभाव देखने को मिलेगा। उसके बाद व्यवहार, ठीक है, अगर कोई व्यक्ति संतुलित आहार नहीं लेता तो कहीं ना कहीं उसके व्यवहार में भी परिवर्तन देखने को मिलता है, भले कम रूप में देखने को मिले लेकिन देखने को जरूर मिलता है। तो व्यवहार भी जो है इसका राइट आंसर नहीं होगा। इसका जो राइट आंसर होगा पर्यावरण, संतुलित आहार से किसी के भी पर्यावरण में कोई जो है प्रभाव नहीं पड़ता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। धात्री माँ योजना का संबंध किससे है, धात्री माँ योजना का संबंध किससे है। ऑप्शन है आपके अनाथ बालकों की सुविधा से, घरेलू हिंसा से, कामकाजी महिला से या फिर अनौपचारिक शिक्षा से। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, अनाथ बालकों की सुविधा से, ठीक है। तो धात्री माँ योजना किससे संबंधित है, अनाथ बालकों की सुविधा से। अनाथ जो बालक होते हैं उनको रहने की, खाने की जो सुविधाएं प्रदान की जाती है तो उसी सुविधा से रिलेटेड है धात्री माँ योजना। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पर, एक वयस्क को प्रतिदिन कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो आपको बताना है एक वयस्क व्यक्ति को कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है पर डे, प्रतिदिन। ऑप्शन है 50 ग्राम, 60 ग्राम, 80 ग्राम या फिर 100 ग्राम। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका 60 ग्राम, यानी ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इसको याद रखिएगा, कितने ग्राम प्रोटीन की, तो 60 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। किशोरी बालिका दिवस प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र में किस दिन मनाया जाता है। तो ये आंगनबाड़ी केंद्र से संबंधित हो गया और ये जो है किशोरी बालिका दिवस किस दिन मनाया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन है आपके प्रत्येक माह मंगलवार के दूसरे मंगलवार को, प्रत्येक माह मंगलवार के दूसरे मंगलवार को, प्रत्येक माह मंगलवार के तीसरे मंगलवार को, प्रत्येक माह मंगलवार के पहले मंगलवार को या प्रत्येक माह मंगलवार के चौथे मंगलवार को। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रत्येक माह मंगलवार के चौथे मंगलवार को। तो इसको याद रखिएगा, चौथे मंगलवार को। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। स्तनपान कराने वाली महिला को प्रतिदिन कितनी जो है कितना कैल्शियम लेना आवश्यक होता है। तो ये जो है रिकॉर्ड है कि कितने कैल्शियम लेना आवश्यक है, ये आपको बताना है स्तनपान करने वाली महिला को प्रतिदिन, ठीक है, डेली बेसिस पर। 1500 किलोग्राम, 1250 किलोग्राम, 500 किलोग्राम या फिर 1000 किलोग्राम। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 500 किलोग्राम। इसको याद रखिएगा, ठीक है, 500 किलोग्राम जो है कैल्शियम लेना आवश्यक होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। निम्न में से कौन से आयु को संक्रमणों के प्रति सबसे ज़्यादा संवेदनशील माना जाता है, यानी किस आयु में जो है व्यक्ति को संक्रमण का खतरा सबसे ज़्यादा होता है, संक्रमण के लिए लिहाज से सबसे ज़्यादा संवेदनशील किस आयु के जो है व्यक्ति को माना जाता है, बुढ़ापा, युवा, बच्चा या फिर शिशु। तो ऑब्वियसली इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, शिशु, ठीक है, शिशु इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक छोटा बच्चा जब एक शैशवावस्था में होता है, जब एक शिशु होता है तभी वो संक्रमणों के लिए सबसे ज़्यादा संवेदनशील माना जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। माँ के दूध में पाया जाने वाला
वह विशिष्ट पदार्थ जो बच्चे की आंतों में लैक्टोबैसिलस बाइडिसस बैक्टीरिया की वृद्धि को प्रेरित करता है। ऑप्शन है यानी माँ के दूध में पाया जाने वाला विशिष्ट पदार्थ आपको बताना है जो कि बच्चे की आंत में लैक्टोबैसिलस बाइफिडस बैक्टीरिया की वृद्धि को प्रेरित करता है। ऑप्शन है आपके मिकोनियम, विफिडस कारक, कोलोस्ट्रम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विफिडस कारक। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। अपरा का वजन प्रसव के समय उत्पन्न शिशु के वजन का कौन सा भाग होता है? ठीक है, तो अपरा का वजन, अपरा क्या होता है आप लोग ये सोच रहे होंगे कि अपरा होता क्या है। ठीक है, अपरा का वजन, तो अपरा के लिए यहाँ पर मैंने एक जो है इंट्रोडक्शन यहाँ पर उसका डाला हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं उसकी परिभाषा। तो अपरा क्या होता है, बीजांडाशन या अपरा प्लेसेंटा जिसको कहते हैं, वह अंग है जिसके द्वारा गर्भाशय में स्थित भ्रूण के शरीर में माता की रक्त का पोषण पहुंचता रहता है और जिससे भ्रूण की वृद्धि होती है। यह अंग माता और भ्रूण के शरीर में संबंध स्थापित करने वाला है। तो इसका सीधा सा ये समझ सकते हैं कि ये ऐसा अंग है जो माता और भ्रूण के शरीर में सीधा जो संबंध स्थापित करने वाला एक अंग है। ठीक है, वही पूछा जा रहा है कि अपरा का वजन प्रसव के समय उत्पन्न शिशु के वजन का कौन सा भाग होता है, 3/4 भाग, 1/6 भाग, 1/8 भाग या फिर 1/5 भाग। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1/6 भाग होता है। इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। स्वास्थ्य सुपोषित माताओं के शिशुओं का वजन कितना होता है, यानी कि एक स्वस्थ जो माता होती है उसके शिशु का वजन कितना होता है? ऑप्शन है 3.5 kg, 2.5 kg, 4.5 kg या फिर 2.0 kg। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 1, 3.5 kg इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक स्वस्थ माता के शिशु का वजन 3.5 kg होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। गर्भस्थ शिशु का हृदय अपरा द्वारा प्रति मिनट कितना रुधिर पंप करता है? ठीक है, जो एक गर्भस्थ शिशु होता है, गर्भ में जब शिशु होता है तो शिशु का हृदय अपरा के द्वारा प्रति मिनट कितना रुधिर पंप करता है, 580 मिली जो है मिली मिलीलीटर या फिर 640, 500 या फिर 550। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, यानी कि 500 मिलीलीटर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। एक वयस्क को प्रतिदिन लगभग कितने कैल्शियम की आवश्यकता होती है, 500 से 600 मिलीग्राम, 120 से 130 मिलीग्राम, 400 से 500 मिलीग्राम या फिर 480 से 780 मिलीग्राम। तो इसका, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 400 से 500 मिलीग्राम कैल्शियम की आवश्यकता होती है एक वयस्क को। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। नवजात शिशु की त्वचा पर उपस्थित मक्खन जैसा पदार्थ क्या कहलाता है, जो एक नवजात शिशु होता है जिसका तुरंत जो है जन्म हुआ है, ठीक है, तो उसकी त्वचा पर स्थित मक्खन जैसा पदार्थ क्या कहलाएगा, लिनुगो, मिकोनियम, एमनियोटिक द्रव या फिर वनिक्सी केजियोसा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, वनिक्सी केजियोसा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। स्वास्थ्य शिक्षा की आवश्यकताओं में शामिल नहीं है बोध, मानसिक स्वास्थ्य, क्रिया अपनाना या अभिप्रेरण। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मानसिक स्वास्थ्य। ठीक है, स्वास्थ्य शिक्षा में मानसिक स्वास्थ्य जो है शामिल नहीं होता है, मानसिक स्वास्थ्य शिक्षा की आवश्यकताओं में मानसिक स्वास्थ्य को शामिल नहीं किया जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। निम्न में से कौन सा कारक स्वास्थ्य शिक्षा के सिद्धांत में से नहीं है, कौन सा कारक, निम्न में से कौन सा कारक ऐसा है जो स्वास्थ्य शिक्षा के सिद्धांत में नहीं है, रुचि, सहभागिता, अभिप्रेरणा या प्रतियोगिता। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा प्रतियोगिता। ये जो प्रतियोगिता है वो जो है स्वास्थ्य शिक्षा के सिद्धांत में शामिल नहीं है। इसके अलावा रुचि, ठीक है, इंटरेस्ट, सहभागिता और अभिप्रेरण, ये तीनों शामिल हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। स्वास्थ्य शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है, मित्र बनाना व प्रभावित करना, ये वह होगा, ठीक है, टाइपिंग एरर, लोगों को उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करना, स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान देना या उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वास्थ्य शिक्षा, जो स्वास्थ्य शिक्षण दिया जाता है उसका उद्देश्य मित्र बनाना व प्रभावित करना, लोगों को उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करना और स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान देना, ये तीनों होता है। जैसे कि यहाँ पर हम लोगों ने देखा ऑप्शन नंबर बी, सहभागिता, स्वास्थ्य शिक्षा में सहभागिता शामिल होता है, तो उसी के अंतर्गत आएगा मित्र बनाना व प्रभावित करना सहभागिता में, ये जो है स्वास्थ्य शिक्षण के मुख्य उद्देश्य हैं। ठीक है, ये तीनों।
चलिए ठीक है, इस वीडियो में जो है 20 क्वेश्चन हम लोगों ने देखा और 20 क्वेश्चन के सारे क्वेश्चन का हम लोगों ने आंसर देखा। कुछ इसी तरह से भी आपके स्वास्थ्य एवं पोषण से जो टॉपिक है उसमें से प्रश्न आ सकते हैं। इसके अलावा हम इसकी थ्योरी भी करेंगे, तो बने रहिएगा वीडियो जो है चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आज का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।